गाइस पहले सीधे पॉइंट पे आऊंगा कि ये रिव्यू भी मेरे बाकी सभी रिव्यूज की तरह कम्प्लीटली ऑनेस्ट है, और जस्ट बिकॉज ये करण जौहर की मूवी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस मूवी के बारे में जबरदस्ती खराब बोलूंगा या जबरदस्ती अच्छा बोलूंगा। मैं एक मूवी लवर हूँ और ये मानता हूँ कि मूवी बनाने में सिर्फ एक इंसान का हाथ नहीं होता, इसलिए एक इंसान की वजह से मेरा ओपिनियन चेंज नहीं हो सकता। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज आपका ये आम आदमी रिव्यू करेगा जानवी कपूर स्टारर गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को। गुंजन सक्सेना जो देश की पहली फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर बनी वॉर पे जाने के लिए, उन्हें द कारगिल गर्ल भी कहा जाता है क्योंकि 1999 में कारगिल की लड़ाई में वो इकलौती फीमेल ऑफिसर थी। जानवी कपूर इस वेटरन कैरेक्टर को जस्टिस दे पाती है कि नहीं, और ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं, आप मेरे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स से खुद डिसाइड कर लीजिएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जहां जानवी कपूर के बारे में बात करेंगे। मूवी का सबसे पहला एंड सबसे इम्पैक्टफुल पॉजिटिव पॉइंट है बाप बेटी का रिलेशनशिप। पंकज त्रिपाठी जो जानवी कपूर के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस आपका दिल जीत लेगा। गुंजन सक्सेना जब पायलट बनने का ख्वाब देखती है तो सिर्फ उनके फादर ही उनके सपना पूरा करने का साथ देते हैं, क्योंकि बाकी सबका मानना था कि लड़कियां सिर्फ घर पे ही अच्छी लगती हैं। बेटी का जब हौसला टूटता है तो बाप अपने ही अंदाज में बेटी को मोटिवेट करता है, और ये सारे सीन्स इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि आपके आंख के किसी कोने से आंसू का एक कतरा तो जरूर गिर जाएगा। बाप बेटी के बीच का जितना भी स्क्रीन टाइम था, आपके चेहरे पे हल्का सा एक मुस्कान लेकर आ जाएगा, और पंकज त्रिपाठी को तो शायद आप बेस्ट डैड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे देंगे। इनफैक्ट इस मूवी में आपको इन दोनों के रिलेशनशिप को देखना ज्यादा अच्छा लगेगा, और पंकज त्रिपाठी फिर प्रूव करते हैं कि वो कोई भी रोल बहुत इजीली प्ले कर सकते हैं और वो हर एक कैरेक्टर में कम्प्लीटली घुस जाते हैं। मूवी का दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। अराउंड 1 घंटा 50 मिनट की ये मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी। आप गुंजन सक्सेना की कहानी में कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहेंगे, और इसका स्क्रीन प्ले आपको गुंजन सक्सेना से इंस्पायर होने में कामयाब कर देती है। एक औरत पायलट कैसे बन सकती है, वो इंडियन आर्मी भी कैसे ज्वाइन कर सकती है, ऐसे स्टेरियोटाइप्स को कहानी में बहुत अच्छे से प्लेस करके प्रेजेंट किया गया है। एक सीन में जहां एक ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर को बोलता है कि सर आप प्लीज कुछ कीजिए, अगर हेलीकॉप्टर उड़ाते वक्त गुंजन रोने लगी तो मैं हेलीकॉप्टर को संभालूंगा या फिर गुंजन को। या फिर एक और डायलॉग है जहां एक दूसरा ऑफिसर बोलता है कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता और इनको हेलीकॉप्टर उड़ाना है। ये सारे स्टेरियोटाइप्स को मूवी में ब्रिलियंटली दिखाया गया, और आपको ये एहसास भी दिलाता है कि रियल लाइफ में गुंजन सक्सेना के लिए कितना मुश्किल रहा होगा उस वक्त मेल डोमिनेटिंग एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ रहना। गुंजन सक्सेना के बचपन से लेकर कारगिल की जंग तक की ये कहानी आपको कंटिन्यूसली एंगेज करके रखेगी। गाइस मूवी में मुझे सिर्फ एक लेकिन मेजर नेगेटिव पॉइंट लगा, और वो था जानवी कपूर का परफॉर्मेंस। जानवी कपूर जो सिर्फ अभी 2 मूवीज ही पुरानी है, हो सकता है उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करे, लेकिन इस मूवी में वो एज इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर कन्विंस नहीं कर पाती है। उनके चेहरे में हमेशा एक ब्लैंक एक्सप्रेशन रहता है जिसको आप चाह करके भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनका डायलॉग डिलीवरी भी बहुत कमजोर लगता है, चाहे वो इमोशनल सीन हो या फिर आर्मी ट्रेनिंग वाला सीन। वो जज्बा, वो जोश जो दिखना चाहिए चेहरे पे, वो बिल्कुल भी नहीं दिखता। इनफैक्ट जब वो वॉर पे जाती है तो उनके चॉपर पे अटैक होता है, तो वैसे हाई ऑक्टेन वाला सीन को भी वो अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन और डायलॉग से स्लो कर देती है। जानवी कपूर को अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी को लेकर काफी इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि वो अपने एक्टिंग से मूवी को कम्प्लीटली गिरा सकती है। तो गाइज इन कंक्लूजन, इस मूवी का असली हीरो द रियल गुंजन सक्सेना और उनकी इंस्पायरिंग कहानी है। कैसे वो सारे स्टेरियोटाइप्स को तोड़कर द कारगिल गर्ल बनी, ये प्रूव करता है कि जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका साथ नहीं छोड़ती, और फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये मूवी आपको इंस्पायर तो करेगा ही, लेकिन साथ साथ इमोशनल भी करेगा, और जानवी कपूर के पुअर परफॉर्मेंस के बाद भी इसका स्क्रीन प्ले आपको कंटिन्यूसली रोक के रखता है। बाकी आप मेरे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स से खुद डिसाइड कर लीजिए कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं। तो गाइस आई होप आपको इस आम आदमी का ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।